उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डिलीवरी बॉय की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने पूरे प्रदेश में तहलका मचा कर रखा है। जिसके बाद मोबाइल डिलीवर करने के बाद एक ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कहा गया कि डिलीवरी बैग में ही शव रखकर नहर में फेंक दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी है आकाश। वहीं आकाश को जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद आकाश शर्मा ने सारे चिट्ठे लगभग खोल कर रख दिए हैं। पुलिस की तरफ से बताया गया कि आकाश शर्मा को जब वो लेकर आए तो उससे गंभीरता से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने और उसके दोस्त गजानन ने दूसरे दोस्त हिमांशु के फोन से फोन ऑर्डर किए थे। उन्होंने दो फोन ऑर्डर किए, दोनों फोन की कुल कीमत करीब करीब 1 लाख यानी कि 90,000 के करीब थी, जो कि कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर किए गए थे। उन्होंने डिलीवरी बॉय को पैसे दिए बिना दोनों फोन रखने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने यह भी बताया कि NDRF, SDRF और स्थानीय गोताखोरों से लगातार पुलिस संपर्क में है। डिलीवरी बॉय का शव ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। विस्तार से आपको सुनवाते हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा। कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा, जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि यह डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जांच थाना स्तरीय पर की जा रही थी, साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पर काम कर रही थी। जब हम लोग इस पर काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीजें संदिग्ध लगी। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धतापूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें यह प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहां तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानन द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा दो मोबाइल फोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फोन वीवो V40 Pro और एक गूगल Pixel 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहां मोबाइल फोन लेके पहुंचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकी पूर्वक इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा आज आकाश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल किया है। साक्ष्य इस तरह के मैच कर रहे हैं। हमें दोनों मोबाइल फोन जो इन्होंने डिलीवरी बॉय से मंगवाए थे वो भी बरामद किए गए हैं। उसके अलावा डिलीवरी बॉय का अन्य सामान जो वो और डिलीवर करने जा रहा था वो भी हमने बरामद किया है। पुलिस द्वारा लाश को ढूंढने के अभी लगातार प्रयास चल रहे हैं। हमारे द्वारा NDRF की टीम, SDRF की टीम और लोकल गोताखोरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। आसपास के जनपदों में भी हमारे द्वारा एक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि बॉडी की बरामदगी हो सके। हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द बॉडी बरामद हो सके। गजानन को अभी वांछित रखा गया है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। जो बॉडी है वो बताया जा रहा है कि बच्चे उसमें भर के ले गए थे बैग में, तो क्या टुकड़े करके ले गए थे, किस तरीके से बैग में भरा गया? नहीं, इनके द्वारा अभी जब हमने पूछताछ करी गई तो अभी तक आकाश द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इनका यह कहना है कि गला घोट के मार देने के बाद उन्होंने बॉडी को, क्योंकि फ्लिपकार्ट का बैग बहुत बड़ा होता है, उसमें बॉडी को भर के वैगनार कार जो गजानन की थी उसमें जाके ले गए हैं और जाके डंप कर दिया है नहर में। अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है, जब तक बॉडी नहीं मिल जाती हम नहीं कह सकते कि वो चीज करी गई है या नहीं करी गई। कार बरामद हुई है और कार किसके नाम में? अभी कार नहीं बरामद हुई है, अभी मोटरसाइकिल बरामद हुई है मृतक की, और इनका हेलमेट, आकाश का हेलमेट बरामद हुआ है और कुछ सामान बरामद हुआ है जो उन्होंने यूज किया था फ्लिपकार्ट एजेंट का। आकाश के बीच में क्या रिश्ता, मतलब क्या? गजानन और आकाश दोनों चिन्हट पे रहते हैं, आस पड़ोस में ही। इसमें आकाश जो है इसका कारपेंटरी का काम है और गजानन का प्लाईवुड का काम है। 1 साल से ये लोग एक साथ बैठते उठते रहे, मित्र हैं, पहले से बातचीत में रहे। जो आकाश की जो गजानन है और जो मृतक है भरत, क्या इनमें भी आपस में परिचित थे? बताया जा रहा है कि गजानन भी जो है उसी फ्लिपकार्ट कंपनी। हाँ, ये ठीक बताया गया है। गजानन पहले भी उस कंपनी में 2-3 महीने काम किया है
लेकिन ये उसका परिचित नहीं रहा, इनका कभी आपस में संपर्क नहीं रहा है। गजानन को लेकिन ये पता था फ्लिपकार्ट की कंपनी की वर्किंग कैसे होती है, डिलीवरीज किस तरह आती हैं, किस तरह जाती हैं, ऐसा इसने करने का प्रयास किया। एक चीज अभी तथ्य में और संज्ञान में आया है जिसको अभी हम प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि मृतक की मृत्यु का हत्या कर देने के बाद गजानन द्वारा जो बची हुई डिलीवरीज हैं उन्हें भी करने का प्रयास किया गया था ताकि किसी को शक ना होए कि डिलीवरी बॉय की हत्या हो गई है या वो मिसिंग है, लेकिन इसको ये पूरी तरह कर नहीं पाए थे। इस पे अभी गहनता से कार्य चल रहा है। फिलहाल ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मृतक डिलीवरी बॉय भरत की क्या गलती थी, किसका लालच भरत को ले डूबा और इसकी क्या सजा, ये तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा। लेकिन एक परिवार बर्बाद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।